तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ केले की एक बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो कि त्योहारों के सीजन में आप एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत ही आसान है बनाना इसे। तो मैंने केले की मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर 4 केले लिए हैं, 200 ग्राम चीनी है, 1 कटोरी आटा है, गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा है, वजन भी देखेंगी तो 100 ग्राम है, और यहाँ पर मैंने लिए है 1/2 लीटर दूध। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और ये 1/2 लीटर दूध हम कढ़ाई में डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे जो हमने केले लिए थे, वो केले मैंने छील लिए हैं, तो केले भी इसी में हम डाल देंगे और केलों को हम इसी में मैश कर देंगे। दूध अच्छा उबाल आ जाएगा तो केले अच्छे से अपने आप गल जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इन्हें कट करके पहले ही मैश कर दे रहे हैं। आप अच्छे केलों की जगह पर गले हुए केले भी ले सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल केले जो होते हैं घरों में वही लिए हैं, बहुत गले हुए नहीं थे मेरे केले। तो देखिए इस तरह से हमें दबा दबा करके इसे अच्छे से मैश कर देना है और इसे गाढ़ा करना है। तो इस तरह से अब इस स्पैटुला से हम इसे चला करके इसे गाढ़ा करेंगे। तो खोए की तरह गाढ़ा करना है हमें थोड़ा इसे। तो अब इस कढ़ाई को हम साइड में रख देते हैं और इस तरफ हम दूसरी कढ़ाई लेंगे तो आटे की हम बुनाई करेंगे। तो केले को मैंने साइड में कर दिया है दूध को गाढ़ा होने के लिए। तब तक दूसरी कढ़ाई में हम लेते हैं करीब 2 चम्मच ये घी, देसी घी इस्तेमाल करें। और अब हम इसमें आटा अपना भुनेंगे लगभग 5 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं भुनेंगे। तो 5 मिनट तक आटे की हम भुनाई करेंगे, तब तक हमारा ये दूध भी इधर गाढ़ा हो जाएगा। तो घी गर्म हो चुका है, अभी इसमें आटा डाल के हम बुनाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा गेहूं का आटा ब्राउन हो चुका है और हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। तो ये लगभग भुन चुका है और बीच बीच में मैं केला भी चलाती रही हूँ ताकि लगे ना नीचे। तो अब इसे हटा लेते हैं और देखिए केले की कंडीशन कैसी है। ये गाढ़ा हो चुका है, दूध काफ़ी हद तक जल चुका है, ये देखिए। तो अब इसे थोड़ा सा और गाढ़ा हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब इसे हम खिसका के देख रहे हैं तो दूध जैसा नहीं दिख रहा है। तो अब एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, गेहूं का आटा मिला देना है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गेहूं का आटा मिला देंगे इसमें। और अगर आपका बैटर ये जो केले का हमने बनाया है वो अगर आपका ढीला हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, गेहूं का आटा जब मिलाएंगे तो वो सही हो जाएगा। और मिलाने के बाद भी अगर आपका ढीला लगे तो थोड़ा सा गेहूं का आटा और मिला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये एक डो के फॉर्म में बन गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे और थोड़ा इलायची पाउडर हम रख लेंगे चाशनी के लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अगर आटा मान लीजिए ज़्यादा हो गया, आपका डो गाढ़ा हो गया, क्योंकि जब भी आप पहली बार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो ही जाती है, तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा दूध बढ़ा दीजिए, बस हो जाता है बैटर अच्छे से। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो अब डो को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब कढ़ाई में लेंगे 200 ग्राम चीनी और सेम उतना ही 200 ml करीब पानी। तो जिस कटोरी से आप चीनी लें उसी से पानी भी नाप लें। तो इसे मेल्ट कर देंगे हम और 1-2 उबाल आ जाएगा। तो हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, एक तार की चाशनी जब बनने वाली हो, थोड़ी गाढ़ी छिपछिपी हो जाए, बस वहाँ पर गैस को बंद कर देना है। तो देखिए चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है, पर अभी हम इसे चेक करेंगे, अभी नहीं हुई है चाशनी, थोड़ा और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ी हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसे पकाते हुए हमें करीब 5 मिनट हो गया है और देखने से ही लग रहा है कि ये हो गई है। तो देखिए हम चम्मच से चेक कर लेते हैं। तो पहले चम्मच से आप देख लीजिए कैसा गाढ़ा सा, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये देखिए। और हाथ से चेक कर लेते हैं हम इसे, चम्मच में लेकर थोड़ा सा थोड़ा हाथ में लेंगे और इसे हाथ पे लगाएंगे तो हल्की सी चिपचिपी सी मालूम पड़ रही है।
तो इसका मतलब अब ये तैयार की नहीं बनी है लेकिन एक तार की होने वाली है। तो बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो डो हमने बनाया था केले का, वो ठंडा हो चुका है और मैंने छोटी छोटी ये जो हैं लोइयाँ कुछ बना ली हैं और ठंडा हो चुका है। जब तक कि मैं बनाऊंगी सारे तब तक और ठंडी हो जाएंगी। तो ये जो लोइयाँ हमने बना ली हैं, अब हम क्या करेंगे कि इन लोइयों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, बिल्कुल हल्की हल्की सी। ये देखिए ऐसे, इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और उसे बंद करके हम गोल राउंड बना लें एकदम गुलाब जामुन की तरह। तो दरारें ना रहें इसलिए ऊपर से उसको चिकना कर दीजिए अच्छे से, दरारें नहीं रहनी चाहिए। तो बस ऐसे सारे हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे अपने गुलाब जामुन बना लिए हैं और बनाते समय अगर मान लीजिए आपके हाथ में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा देसी घी लगा करके आप इन्हें बना लीजिए। तो बस ध्यान ही रखिए कि एकदम चिकने बनाइएगा, ऊपर से दरारें ना हो। तो चलिए अब इन्हें हम तल लेते हैं। देखिए तेल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था तो तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, बिल्कुल हम इसे पहले लो कर देंगे। और कभी भी कुछ भी तलने से पहले एक बार एक पीस डाल के आप ज़रूर चेक करें। तो मैं इसमें एक पीस डालूंगी, गैस को मैंने धीमा कर दिया है, एक पीस डालूंगी और चेक करूंगी कहीं फट तो नहीं रहे हैं। तो इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं तलना है क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रहेंगे। तो अभी डालने के बाद तुरंत इसे बिल्कुल नहीं छूना है, ऊपर से तेल बस डालना है ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए फट नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम बाकी गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर से हमारे ये गुलाब जामुन तल रहे हैं और आपको इनको तलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, धीमा लगे तो तेज कर लीजिएगा थोड़ा सा और आराम से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल के आप निकाल लीजिएगा और इसे गरम गरम ही तुरंत निकाल के तुरंत चाशनी में डालना है। तो गुलाब जामुन मैंने तल के सीधे इसमें डाल दिए हैं और आधा घंटा अब इसे हम ढक देंगे, आधा घंटे बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधा घंटे बाद हमारे ये गुलाब जामुन मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम रस भरे बनके तैयार हैं, चलिए सर्व कर लेते हैं इन्हें। तो देखिए दोस्तों, तैयार हैं हमारे केले के गुलाब जामुन और आप देख सकते हैं कितने देखने में टेस्टी हैं, खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। और कोई बता सकता है इन्हें देख के कि मैंने इन्हें केले से बनाया है? आप देखिए, क्या आप बता सकती हैं कि ये केले से बने हैं? नहीं ना। अगर आपने कभी नहीं बनाया है केले से इस तरह गुलाब जामुन तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए मैं आपको कट करके दिखाऊँगी, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाऊँगी। बिल्कुल देखिए जैसे मैं दबा रही हूँ ना, ये देखिए बिल्कुल रस एकदम भरा हुआ है अंदर से, ये देखिए। तो एकदम रस भरे से एकदम बने हैं गुलाब जामुन। मैं दूसरा भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जैसे मैं दबा रही हूँ एकदम रस से भरे हुए ये गुलाब जामुन है हमारे। तो एक बार आप भी बनाइए इस तरह से केले के गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस थोड़ा कुछ कुछ ट्रिक्स को ध्यान रखना पड़ता है जैसे तलते समय और केले का डो बनाते समय। तो पूरा वीडियो अगर आप आराम से देखेंगे तो आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट केले के गुलाब जामुन बना लेंगे। तो इन त्योहारों पर एक बार ये केले के गुलाब जामुन जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आप इंजॉय कीजिए हमारी आज के ये केले के गुलाब जामुन और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, बाय बाय।